Hi guys, welcome to the new video. I hope you all are doing well. So recently, we are hearing a from social media and from people who are already in Canada फॉर स्टूडेंट्स की कैनेडा मत आओ बिकॉज कैनेडा में पी आर जो है वो मुश्किल होती जा रही है और कैनेडा में जॉब नहीं है और तो और कैनेडा में अकोडेशन की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है बट इन टूडेज वीडियो हम ये डिस्कस करेंगे कि वाई कैनेडा इज स्टिल दैस्ट ऑप्शन फॉर स्टूडेंट्स सो अगर आप इंडिया रहते हैं और आप चाहते हैं कि आप किसी डिवेलप्ड कंट्री में सेटल हो या फिर किसी भी और डेवेलप्ड कंट्री में पढ़ने के लिए जाए तो आपके लिए अभी भी कैनेडा वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है और वो क्यों है इसकी बात हम आज की वीडियो में करेंगे सो कैनेडा स्टडी वीजा जो है वो आज की डेट में भी इजीएस्ट वे है टू कम टू कैनेडा एंड कैनेडा की जो ट्यूशन फी है इट इज मच लेस देन अदर डेवलप्ड कंट्रीज सो अगर आपके दिमाग में कहीं भी आ रहा है कि यार हम कैनेडा नहीं जाते बिकॉज बहुत सी स्पेकुलेशंस हैं अगर आप कोई भी और डेवेलप कंट्री जाने का सोच रहे हैं तो आप एक बार रिसर्च करके खुद भी देख सकते हैं कि कनाडा की फीस जो है अभी भी इट इज़ मच लोअर देन एनी अदर डेवलप्ड कंट्री और जो इंटायर प्रोसेस है कनाडा आने का इसको इसके लिए आपको लगेंगे तीन से चार महीने वेयर एस इन अदर कंट्रीज जो फॉर्मेलिटीज़ हैं और जो लीगैलिटीज़ हैं वो ज्यादा हैं इसलिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा तो अगर आप आज भी चाहें कि आप कनाडा जाना चाहते हैं फॉर फर्दर स्टडीज यू कैन कंप्लीट द इंटायर प्रोसेस इन थ्री टू फोर मंथस और आप कैनेडा आ सकते हैं लेकिन अब बात आती है जो आपको सुनने में आ रहा है कि यार कैनेडा में पी नहीं हो रही पी बहुत ज्यादा मुश्किल हो गई है तो पीआर मुश्किल नहीं हुई जस्ट कैनेडा की गवर्नमेंट ने पी थोड़ी सी ऑप्टिमाइज कर दी है तो आज भी अगर आप राइट फील्ड राइट कोर्स लेके एक राइट right कॉलेज और यूनिवर्सिटी में आएंगे तो पीआर लेना आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है इसलिए अगर आप कनाडा आने का सोच रहे हैं तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आज की डेट में है आपके लिए करेक्ट गाइडेंस जिसके लिए आप कंटेक्ट कर सकते हैं द इमीग्रेशन गुरुज जिनकी कंसल्टेंसी इंडिया में बहुत सारे सिटीज़ में है जैसे कि करनाल पानीपत नवाशहर द इमीग्रेशन स्पेशलाइज इन स्टूडेंट वीज़ा और इनका हंड्रेड परसेंट सक्सेस रेट है डिस्पाइट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्सिटीज इन योर प्रोफाइल या फिर अगर आपके कोई प्रीवियस रिफ्यूजल्स भी हैं तो इनकी कंसल्टेशन फी ओनली आफ्टर वीजा आपको देनी होगी इसलिए मैं हाईली रिकमेंड करती हूँ कि अगर आप कैनेडा जाने के बारे में सोच रहे हैं तो एक बार ही इन्हें कंटैक्ट जरूर करें क्योंकि इनका सारा प्रोसेस हंड्रेड परसेंट ट्रांसपेरेंट है द इमिग्रेशन गुरुज को कॉन्टैक्ट करने के लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है अगर आप मेरा लिंक यूज करके द इमिग्रेशन गुरुज को कॉन्टेक्ट करेंगे तो वो नेक्स्ट डे आपको खुद कॉल कर लेंगे और आपका पूरा केस आपके साथ डिस्कस करेंगे हो सकता है कि कुछ कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज की एप्लीकेशन फी पे आपको वेवर भी मिल जाए। so do use my link. So अब बात करते हैं हैं कि और और क्या फायदे हैं Canada आने के as compared to other developed countries. So एक और जो सबसे बड़ा फायदा है वो ये है कि अगर आप कैनेडा में अपनी स्टडीज कंप्लीट करते हैं और आपकी study two year की है तो उसके बाद आपको थ्री ईयर का पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिल जाएगा जो कि एक काफी अच्छा टाइम है टू गेट इन टू योर एंटायर प्रोसेस ऑफ गेटिंग द पी आर और आपकी पी आर विद इन टू टू थ्री ईयर्स आफ्टर योर स्टडीज हो सकती है अगेन जैसे कि मैंने कहा इफ़ यू चूज द राइट कॉलेज एंड द राइट कोर्स ऑफ स्टडी और एक बहुत बड़ा बेनिफिट ये है जो कई अदर कंट्रीज़ में नहीं है कि अगर आप स्टूडेंट हैं आप बींग अ स्टूडेंट ट्वेंटी आवर्स पर वीक काम कर सकते हैं जिससे आपके स्टूडेंट लाइफ के एक्सपेंसेस निकल सकते हैं और अगर आपकी जॉब अच्छी तो आप कुछ थोड़ा बहुत सेव भी कर लेंगे सो दिस इज़ अ वेरी बिग बेनिफिट कुछ अदर डेवलप्ड कंट्रीज़ में नहीं है और अगर आपको अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी में कोई पार्ट टाइम जॉब मिल जाती है तो ये ट्वेंटी ज़्यादा भी आप काम कर सकते हैं और जो स्टूडेंट्स ये चाहते हैं कि वो यूएस जाएं बट वो यूएस की स्टडीज़ अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि हम सबको पता है कि यूएस में फ़ीस काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू कैनेडा उनके लिए भी कैनेडा एक बहुत अच्छा ऑप्शन है बिकॉज वंस यू बिकम अ कनेडियन सिटीज़न आप यूएस की कंपनीज़ में भी अप्लाई कर सकते हैं और यूएस की कंपनीज के लिए जॉब कर सकते हैं एंड फर्दर वहां मूव कर सकते हैं एन प्लस अगर आप यू एस विजिट करने के लिए जाना चाहते हैं तो अगर आप एक बार ही कैनेडा आ जाएं तो फ्रॉम विद इन कैनेडा यू एस का विजिटर वीज़ा अप्लाई करना भी ईजियर है देन एज कम्पेयर टू फ्रॉम इंडिया तो ये भी आपके लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन है इसके अलावा कैनेडा का पासपोर्ट काफ़ी स्ट्रांग है वंस यू गेट अ कनेडियन सिटीजनशिप एंड यू गेट अ कनेडियन पासपोर्ट आप हंड्रेड एंड एटी फाइव कंट्रीज ट्रैवल कर सकते हैं विदाउट अ वीज़ा उसके अलावा फॉर अस इंडियंस एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम दूसरी कंट्री में तो आ जाएं बट हमें फील एट होम महसूस हो सो so, उसके लिए भी कैनेडा एक बहुत ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है बिकॉज कैनेडा में हमारी कम्युनिटी काफ़ी ज़्यादा है इफ़ यू आर एन इंडियन वेदर यू आर फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ इंडिया आप नॉर्थ इंडिया से हैं साउथ इंडिया से हैं आपको अपनी कम्युनिटी मिल जाएगी और आपको कभी भी ऐसा फील नहीं होगा कि हमारे आसपास के लोग नहीं हैं सो दैट इज़ वाई कैनेडा इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर यू तो अब फिर से बात करते हैं कि अगर आप कनाडा आने के बारे में सोच रहे हैं इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू चूज द करेक्ट कंसल्टेंसी सो दैट यू गेट द करेक्ट गाइडेंस इसलिए मैं फिर से नाम लेना चाहूंगी द इमिग्रेशन गुरुज का जैसे कि मैंने आपको पहले बताया अगर आप द इमिग्रेशन गुरु से कोई कंसल्टेशन लेना चाहते हैं रिगार्डिंग द कॉलेज यू वॉन्ट टू गो इन या फिर आप किस कोर्स में जाना चाहते हैं वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी द इनिशियल कंसल्टेशन और लिंक इज़ इन माई डिस्क्रिप्शन और आप इनको रीच आउट कर सकते हैं इसके अलावा बहुत से इमिग्रेशन एजेंट्स हैं जिनके पास आप जाते हैं वो कभी भी आपके साथ ट्रांसपेरेंसी नहीं रखते आपको बताएंगे नहीं कि अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ तो क्यों हुआ आपको आपकी जी की का एक्सेस नहीं देंगे और बहुत से स्टूडेंट्स जब कनाडा आ जाते हैं उसके बाद उन्हें अपनी न्यू डी सी बनानी बनानी पड़ती है क्योंकि उनके पास पुरानी जी की का एक्सेस नहीं होता ऐसा नहीं होगा विद द इमिग्रेशन गुरुज क्योंकि आपके पास आपका जी की यूजर नेम पासवर्ड सब कुछ होगा और आप अपनी जो फाइल है वो साइड बाय साइड अपने आप ट्रैक कर सकते हैं विच इज़ अ वेरी बिग थिंग और आपको पता चलता रहेगा कि आपका प्रोसेस कहाँ तक पहुंचा है इसके अलावा अगर आप किसी भी एज ग्रुप में हैं वेदर यू आर इन योर थर्डीज थर्टी फाइव फोर्टीज आपको द इमिग्रेशन गुरुज़ हेल्प कर सकते हैं टू इमिग्रेट टू कैनेडा बिकॉज वन ऑफ देयर की फीचर्स इज दैट आफ्टर यू हैव डन योर स्टडीज योर मास्टर्स योर योर पी एच डी दे ऑल्सो स्पेशलाइज इन गेटिंग यू अ स्टडी वीज़ा और गेटिंग यू इमिग्रेशन टू कैनेडा इसलिए मैं फिर से एम्फेसाइज करना चाहूंगी कि आप एक बारी इनसे कंसल्टेशन सेशन जरूर बुक करें क्योंकि अगर आप इनसे प्रोसीड भी करते हैं तो आपको फीस बिल्कुल अपने वीजा मिलने के बाद ही देनी है सो आई होप कि आज की वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल होगी और अगर आप कैनेडा आने का सोच रहे हैं तो आई विल नॉट डीमोटिवेट यू और अगर कोई और लोग आपको डिमोटिवेट कर रहे हैं तो प्लीज डू योर ओन रिसर्च अभी भी आई थिंक कैनेडा इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन टू कम एंड आई एम श्योर कि अगर आप सब कुछ विद लीगैलिटी प्रैक्टिकलिटी और आप रिसर्च के साथ करेंगे तो यू विल स्टिल बी यू वेरी सक्सेसफुल इन कैनेडा अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो आप लाइक कर देना आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं क्योंकि मैं बहुत सी ऐसी वीडियोस बनाती रहती हूँ जो स्टूडेंट्स और इमिग्रेंट्स के लिए है और अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं एंड आई एल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर यू एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम चैनल टू गेट मोर अपडेट्स एंड आई एल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो टिल देन बाय गाइज